नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा जी एजुकेशन में। तो ये जो टॉपिक है ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये सीटेट और एस्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से वृद्धि और विकास से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं अकेले। तो हम यहाँ पर इसकी थ्योरी और कुछ साथ में MCQs को भी कवर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वृद्धि और विकास के ज्ञान के द्वारा जो होता है वो अध्यापक छात्रों को आवश्यक निर्देश और उपयुक्त शिक्षा देकर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास का अध्ययन करना प्रत्येक अध्यापक के लिए काफ़ी आवश्यक है, और इसीलिए ये CTET की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अध्यापक को वृद्धि और विकास का ज्ञान होना आवश्यक है, और बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है और जन्म के बाद तक विभिन्न अवस्थाओं से होती हुई चलती रहती है। तो वृद्धि और विकास जो दोनों शब्द हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची के रूप में लिए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित है और निर्भर भी हैं एक दूसरे पर। व्यक्ति के विकास में दोनों का अलग अलग योगदान तय करना कठिन है, किंतु मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों प्रक्रियाओं में कुछ अंतर भी बताया है। तो वो अंतर क्या हो सकता है, किस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने इनमें अंतर बताया है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अभिवृद्धि की, यानी कि ग्रोथ क्या होती है। तो अभिवृद्धि कोई कोशिकीय वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त करते हुए मनोवैज्ञानिक फ्रैंक कहते हैं कि शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये फ्रैंक के अनुसार डेफिनेशन निकल के आती है। तो यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि की क्या परिभाषा हो सकती है। तो फ्रैंक ने कहा कि शरीर और व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं वही क्या है, अभिवृद्धि है। उसके बाद सोरेंस ने कहा कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उनके अंगों के भार और आकार में परिवर्तन के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर विकास की डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होता है कि विकास का अर्थ बालक के कद या भार में परिवर्तन होने से नहीं होता। विकास क्या होता है कि उसके गुण और उसके व्यवहार में देखा जाता है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके गुणों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो बालक को जो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर जो बढ़ता है उसमें एक क्रम निहित होता है। तो अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, एक निश्चित परिवर्तनशील प्रगति, ये विकास है। ठीक है, तो यहाँ पर विकास की डेफिनेशन एक निकल के आती है। तो इस विकास की डेफिनेशन के लिए यहाँ पर श्रीमती हॉरलॉक ने माना है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रौढ़ावस्था यानी कि जो वृद्धावस्था है वहां तक के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम इसमें निहित रहता है। अब विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं दिखाई देती हैं और योग्यताएं भी दिखाई देती हैं। तो ये श्रीमती हॉरलॉक के अनुसार इनकी डेफिनेशन थी। उसके बाद मुनरो का कथन यहाँ पर बताया जाता है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। तो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर विकास की परिभाषाएं दी हैं, जो कि सीटेट के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं, प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने जो अपनी परिभाषा दी है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास अवयवों की कार्यक्षमता की ओर संकेत करता है। विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में दिखाई देता है, इसलिए विकास गुणों के शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, जिसके कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार इनमें क्या होता है कि प्रगति और अवनति दोनों ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो बात निकल के आती है वो आती है कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार की। ठीक है, तो इनमें जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वही क्या है, विकास है। तो ऐसा श्रीमती हॉरलॉक और मुनरो के द्वारा भी बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है। तो इनमें दोनों में फर्क क्या है, तो वृद्धि का जो बात आती है तो वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि बालक के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार में, लंबाई में, ऊंचाई में और उसके भार में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। जबकि विकास के अंतर्गत उसके गुणात्मक परिवर्तन और उसके फलस्वरूप बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में प्रगति, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऐसे ही वृद्धि शब्द जो होता है वो सीमित अभिप्राय लिए होता है। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि क्या है, एक केवल चरण है।
मतलब एक स्टेप है केवल पूरे विकास की प्रक्रिया में, क्योंकि विकास तो जो होता है वो जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक चलते रहता है। अब विकास जो होता है वो शब्द अपने आप में क्या है, एक विस्तृत अर्थ लिए हुए है, मतलब विस्तार है इसका पूरा, वृद्धि मात्र इसका एक भाग है। अब यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है वृद्धि, तो एक निश्चित आयु तक ही जो होता है वो बच्चे की शरीर में शरीर का विकास होता है, उसके भार में परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर उसके अंगों का जो आकार का परिवर्तन है, आकार बढ़ना, तो ये एक निश्चित आयु तक ही होता है, लंबाई बढ़ना, उसके बाद एक निश्चित आयु के बाद ये रुक जाता है। तो वृद्धि क्या होती है, केवल कुछ निश्चित समय तक ही रहती है, जीवन पर्यंत नहीं रहती है। जबकि विकास की अगर हम बात करें तो विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, और वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त ना होकर आजीवन चलती रहती है। इसके बाद यहाँ पर चौथा अंतर देखने को मिलता है कि वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जैसे कि लंबाई में वृद्धि हो सकती है, भार में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, तो ये सब क्या है, भलीभांति दिखाई देता है, तो इन्हें मापा भी जा सकता है, लेकिन विकास जो है उसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्षता मापना कठिन है। इन्हें केवल क्या होता है, कुछ अप्रत्यक्ष तरीकों से ही मापा जा सकता है, जैसे कि कुछ निरीक्षण हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक निरीक्षण हो सकते हैं, तो उनके द्वारा ही हम विकास के परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विकास की जो दिशा है उसका सिद्धांत कहता है कि विकास, कई सारे सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, विकास के सिद्धांत, तो उसमें से पहला सिद्धांत यहां पर आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत की अगर हम बात करें तो गैरिसन और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसके कुछ परिवर्तन उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों के दौरान यह पाया गया कि परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। अब यही जो होते हैं ये विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर कई सारे सिद्धांत देखने को मिलते हैं, तो पहला यहाँ पर आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर में विकास के जो विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विकास को मस्त केघोमुखी या फिर कैफेलो काउडल डायरेक्शन कहा है। तो इसमें शिशु का सिर और फिर उसके बाद धड़, उसके पश्चात पैर, हाथ पैरों का विकास होता है। तो सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है। तो हमने देखा भी है कि सुना भी जाता है कि बच्चे का जो 95% ब्रेन का जो विकास है वो 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। मतलब सबसे पहले जो विकास होता है वो ब्रेन का होता है, मस्तिष्क का होता है, और धीरे धीरे फिर वो प्रक्रम नीचे की ओर चलते रहता है। तो इसको बोलते हैं मस्त के घोमुखी, मस्तक से नीचे की ओर, तो ये मस्त के घोमुखी है। ठीक है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत जो है वो एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं मस्त के घोमुखी। तो ये एक सीटेट के क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो निरंतर विकास का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, और स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो सिद्धांत है वो केवल इस पर बल देता है कि इस व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विकास एक समान गति से नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है, और विकास की गति भी क्या होती है, तेज और कभी धीमी होती है। ऐसा नहीं कि निरंतर गति से चलेगा, कभी तेज गति से होता है, कभी धीमी गति से होता है। तो एक निश्चित आयु तक हम कह सकते हैं कि तेज गति से होता है, और उसके बाद पश्चात जो होता है वो धीरे धीरे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये विकास के कुछ सिद्धांत इसमें बताए गए। अगला सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है कि विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में होता है। बालक का गति संबंधी व भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है, जैसे तीसरे माह में गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालना, छठे माह में खिलखिलाकर हंसना, सातवें माह में कुछ विशेष वर्ण शब्दों की आवृत्ति करना। तो ये जो होते हैं वो कुछ विकास के एक क्रमबद्ध तरीके में होते हैं। ठीक है, तो क्रमबद्ध मतलब ऐसा नहीं होता कि विकास के सिद्धांत में ये कोई भी बच्चा पहले ही कोई शब्द बोलने लगे, तो ये सिद्धांत नहीं। सबसे पहले क्या आता है कि वो तीसरे माह में गले से कुछ विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, उसके बाद छठे माह में हंसना, तो ये एक क्रम है, तो क्रम में ही विकास होता है। तो ये होता है विकास के क्रम का सिद्धांत। अगला आता है यहाँ पर विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध होता है
कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति विभिन्न भिन्न होती है, मतलब एक जैसा विकास नहीं होता सभी का, कुछ का धीरे होता है, कुछ का तेज होता है। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये जो सिद्धांत है ये व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता। अगला सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ ही साथ उसकी रुचि, ध्यान, व्यवहार, इन सब में परिवर्तन होता जाता है। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास से को प्रभावित करता है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास है वो एक दूसरे से संबंधित होता है, और इसके साथ ही क्या होता है, रुचि, ध्यान और व्यवहार, इन सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत आता है। उसके बाद यहाँ पर आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है वो मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान एक ही होता है ये बताता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। तो हॉर्लॉक ने इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या फिर मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। तो ये जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद आता है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के समस्त पक्षों में बालक पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है और बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से केवल हाथ ही नहीं बल्कि अन्य अंगों को भी हिलाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि उसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रूप से हाथ आगे बढ़ाता है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सबसे पहले क्या होता है, वो सामान्य प्रतिक्रिया देता है, और जैसे जैसे वो समझ जाता है कि किसी वस्तु को उठाने के लिए उसे कितनी किस चीज की आवश्यकता होगी, हाथ की, पैर की या दोनों हाथों की, तो ये क्या होता है उसी तरीके से वो व्यवहार करने लगता है, उसी तरीके से वो प्रतिक्रिया देने लगता है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद आता है वंशानुक्रम व वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है, इसके आगे शिशु विकास नहीं कर सकता। तो ये जो है वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों का ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है विकास प्रक्रिया पर, तो इसके आगे जो शिशु है वो विकास नहीं कर सकता। यहां पर अगर हम बात करें तो विकास के कुछ आधार बताए गए हैं, तो इन आधारों में वंशानुक्रम को, विकास को और वातावरण, इन तीनों को ही शामिल किया गया है। विकास जो है वंशानुक्रम पर का भी प्रभाव पड़ता है विकास पर, और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले हम यहाँ पर विकास की कुछ अवस्थाएं देख लेते हैं। तो विकास की अवस्थाएं जो हैं वो कुछ तीन भागों में इसमें बटी हुई है। तो पहली आती है यहाँ पर शैशव काल, जो कि 1 से 5 वर्ष तक होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर बाल्यकाल, जो कि 5 से 12 वर्ष तक होता है। उसके बाद आता है किशोर अवस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। तो ये कुछ अवस्थाएं यहाँ पर बांटी गई हैं। तो ये जो सैले के अनुसार कुछ वर्गीकरण किया गया है, तो ये सैले के अनुसार यहाँ पर तीन भागों में विकास को बांटा है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कॉल सैनिक ने द्वारा। तो कॉल सैनिक ने कुछ इस तरीके से एक तालिका के रूप में इसको बताया था, जैसे कि यहाँ पर गर्भाधान से लेकर जन्म तक की कुछ अवस्था होती है जिसको पूर्व जन्म काल कहते हैं। उसके बाद शैशव, तो शैशव अवस्था जो होती है वो 3 से 4 सप्ताह तक की होती है। उसके बाद आरंभिक शैशव बताया था इन्होंने कॉल सैनिक ने, जो कि 1 या 2 माह से 15 माह तक होती है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर शैशव, जो कि 15 माह से 30 माह तक। उसके बाद यहाँ पर पूर्व बाल्यकाल बताया इन्होंने 2.5 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक। फिर यहाँ पर मध्य बाल्यकाल जो बताया वो बताया है 5 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक। उसके बाद उत्तर बाल्यकाल यहाँ पर बताया गया है 9 से 12 वर्ष तक। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इन्होंने बताया फाइनली किशोरावस्था, तो वो बताई है इन्होंने 12 से लेके 21 वर्ष तक। तो ये जो विकास के कुछ अवस्थाएं हैं वो इन्होंने कॉल सैनिक ने कुछ इस तरीके से डिवाइड की थी, 8 भागों में इसको डिवाइड किया था, जबकि यहाँ पर सैले ने इसको 3 भागों में बांटा था। उसके बाद आता है यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि पहला आता है शैशव काल, जैसे कि सैले ने भी बताया था, तो ये जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद यहाँ पर बाल्यावस्था आता है, तो ये 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था है। और उसके बाद किशोरावस्था आता है, जो कि 12 से लेके 19 वर्ष तक की अवस्था है। इसके बाद यहाँ पर सामान्यता जो मनोवैज्ञानिक है वो उन्होंने भी इस विकास की अवस्थाओं को कुछ वर्गों में बांटा है। तो ये 4 वर्ग हैं, 4 भाग हैं। पहला है यहाँ पर शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था है।
उसके बाद आती है बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है, उसके बाद आती है किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था है, और उसके बाद आती है भ्रूणावस्था जो कि 18 वर्ष के बाद की अवस्था को बताया गया है। तो इससे पहले जो हमने देखी थी वो 12 से 19 वर्ष तक की अवस्था, ये किशोरावस्था इसको कहा गया, लेकिन यहां पर जो अवस्था बताई गई है 18 वर्ष के बाद की जो कि है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क आप देख सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से यहां पर केवल किशोरावस्था आती है, उसके बाद यहां पर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों के तौर पर देखें तो यहां पर प्रौढ़ावस्था भी आ जाती है जो कि 18 वर्ष के बाद की है। जबकि यहां पर अगर देखेंगे कॉल सैनिक के अनुसार तो कॉल सैनिक ने केवल किशोरावस्था को यहां पर 12 से लेकर 21 वर्ष तक माना है। ठीक है, तो ये कुछ अवस्थाएं यहां पर बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है वो सर्वाजी एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कुछ ऐसी ही सीटेट से संबंधित वीडियो मिलती रहे। इसके बाद जो रहेगा हमारा MCQs का कोर्स रहेगा, तो वहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करने वाले हैं जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित। तो आप बने रहिए सर्माजी एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।